सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके पास आपकी एक फेवरेट रीडिंग लेके आया हूँ, पिक योर कार्ड। एंड आज पिक योर कार्ड सेशन में होगा यस और नो टू योर क्वेश्चन, यानी कि आप कोई भी एक सवाल सोचेंगे अपने मन में और कुछ दिनों में उस सवाल का जवाब आपको हाँ या ना में मिलता है या नहीं, वो देखना होगा आपको। क्योंकि हाँ, मैंने पिक योर कार्ड रखा है, दो कार्ड है, तो आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो पहला कार्ड है एंजल कार्ड है, इसे ध्यान से देखें। अगर आपको ये पसंद कार्ड आ रहा है तो आप कार्ड नंबर वन, यानी कि पिक अप कार्ड सेशन में कार्ड नंबर वन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक एंजल कार्ड है, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो पहला कार्ड ये है, इसको चूज करें। एंड आपको अगर मोनोलॉजी की कार्ड ये पसंद है, कार्ड नंबर टू, तो आप यहाँ पे कार्ड नंबर टू यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मून्स के सारे फेज हैं, बहुत खूबसूरत हैं। तो यस और नो क्वेश्चन के लिए अपने कार्ड टू को चूज कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे मेरे थंबनेल में भी जाके दोनों कार्ड में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार देख लें, समझ लें, अपने आप को टेंशन फ्री कर लें। और कार्ड वन एंजल कार्ड है, कार्ड टू है मोनोलॉजी कार्ड है, दोनों में से एक को चुनें और अपने मन में जो भी सवाल है उसको रखें, और उसका जवाब हाँ या ना में आपको मिलेगा। मे बी मिल सकता है। सो यहाँ पे थर्ड कंडीशन है, मे बी वहां भी मिल सकता है आपको। एंड यहाँ देखते हैं कार्ड नंबर वन क्या है। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे रखे, रेजोनेट न करे जाने दें, सभी जेंडर्स के लिए है ये। तो अब देखते हैं कार्ड वन जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए यस नो में क्या जवाब आते हैं। मैं अपने टैरोट से भी देखूंगा। सो यहाँ पे है एंजल का कार्ड। सो देखते हैं, लेट्स सी पहला मैसेज क्या है आपका एंजल्स का। डोंट स्टॉप, पहला कार्ड एंजल का डोंट स्टॉप, यानी कि आप कोई भी चीज की डिसीजन ले रहे हैं तो प्लीज स्टॉप मत करिए, कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़िए। किसी करियर के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप आगे बढ़िए। एंड अपने आप को स्टॉप नहीं करना है आपको, क्योंकि थक हार के बैठ जाने वालों की लाइफ बहुत ही सुस्त पड़ जाती है, लाइफ आगे नहीं बढ़ती है। तो जो भी आपने डिसीजन अपने लाइफ में लिया है उसको लेके आगे बढ़ें, और चीजों को रोके नहीं बल्कि एक्सपैंड करें, खोल के सोचें और चीजों को देखें। तो ये हो गया कैंजल का मैसेज। अब हम टैरोट से देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल है उसके जवाब हाँ या ना में आते हैं या नहीं आते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कुछ निगेटिव कार्ड आएगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि उसके सजेशंस क्या है। तो एक ट्विस्टेड रीडिंग भी है, ट्विस्ट के साथ है, यस और नो की डायरेक्ट रीडिंग नहीं है ये, बल्कि अगर कोई निगेटिव मैसेज आता है या कुछ नो का मैसेज आता है तो उसमें क्या रेमेडीज हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊँ, क्या राहत हो सकती है वो मैं बताऊंगा। सो अपने मन में एक सवाल रखें और देखते हैं जवाब उसके क्या आते हैं, यस नो और मे बी में, या हो सकता है तीनों दोनों ही कार्ड में आपको नो का ही जवाब आए, दोनों में यस का भी जवाब आए, मे बी का भी जवाब आए, तो ये मुझे भी पता नहीं, लेट्स सी देखते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यस नो की जो रीडिंग है अगले सिर्फ 10 दिनों तक रेजोनेट करेगी आपको। टाइमलेस रीडिंग जरूर है अगर पहली बार देख रहे हैं तो 10 दिनों के बाद अपने आप सवाल फिर से, अगर मेरा रीडिंग यस नो का आता है तो वहाँ एक नए ढंग से अपना कार्ड चूज कर सकते हैं। तो ये 10 दिनों के अंदर आपका कौन सा काम होगा नहीं होगा वो मैं आपको अपने कार्ड से ट्यूशन से बताऊंगा। तो लेट्स सी देखते हैं आपने जो भी मन में सवाल सोचा है उसका जवाब अगले 10 दिन में यस नो में आता है या नहीं आता है। लेट्स सी देखते हैं, क्लैरिफाई करें उसको। गिव मी वन कार्ड, दो कार्ड में नहीं लेता हूं आप जानते हैं पहले। लेट्स सी लेकिन दो कार्ड आ गए हैं, दो कार्ड नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे फोर्स किया गया डिवाइन के द्वारा अपने इंट्यूशन से, और कार्ड भी निकल के एंजल का, एंजल की ओर से, कि दो कार्ड मुझे लेने ही पड़ेंगे यस यस नो और की रीडिंग के लिए। तो पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो जिन लोगों, देखिए यहाँ दोनों ही मैसेज आ गए, दोनों तरह के लोग यहाँ पे, जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं, प्यार के लिए देख रहे हैं, दोनों के लिए मैसेज आया है क्लियर। तो पहला देखिए, जिन जो लोग प्यार के लिए देख रहे हैं, रीयूनियन के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे पक्का है कि आपको जल्द से जल्द आपका प्यार मिलेगा, जल्द से जल्द आपको प्रपोजल मिलेगा। अगर नए रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ भी आपको यस का ही आ रहा है कार्ड, आपको 100% यस है आने वाले दिनों में आपके लिए। एस ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जिन्होंने भी कार्ड वन चूज किया है, प्यार में अगर कोई भी नया रिलेशनशिप में देख रहे हैं आप तो वहाँ भी यस का मैसेज है। रीयूनियन के लिए देख रहे हैं वहाँ भी मैसेज यस का है, 100% यस है। अगर प्यार के लिए देख रहे हैं तो 100% यस है, आपको कोई नया प्रपोजल मिलेगा बहुत ही खूबसूरत डिवाइन द्वारा। आप अगर सिंगल हैं तो आपको जल्द से जल्द मिंगल हो जाएंगे,
एंड आपको कहीं ना कहीं से प्यार का ऑफर मिलने वाला है, बहुत प्यार कूट कूट के बढ़ा हुआ। जो भी पर्सन आपको प्यार का ऑफर देंगे वो प्यार कूट कूट के आपके मन में भरा होगा। यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ा प्यार का ऑफर मिल सकता है, शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है आपकी, एंड प्यार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अगले 10 दिनों में यहाँ पे होने की पूरी संभावना मुझे लग रही है 100% यस है। प्यार में भी दो कार्ड आने का रीज़न मैं समझ गया था, अब समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग करियर के लिए देख रहे हैं वहाँ भी यस का कार्ड है। अगर मनी आने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे मनी आएगी आपके पास, मनी सेविंग के लिए सोच रहे हैं तो मनी सेविंग होगी। करियर वाइज अगर कोई करियर अपना जॉब कोई ग्रैब करना चाहते हैं वहाँ भी ये फोर ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि यस 100% जॉब चेंज करना चाहते हैं, नया करियर चुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिजनेस में नुकसान नहीं हो, तो यहाँ भी कार्ड यस का आया है कि हाँ नुकसान नहीं होगा, कोई भी रिस्क ले सकते हैं, छोटा मोटा, बड़ा रिस्क नहीं, छोटा मोटा रिस्क ले सकते हैं। पैसे सेविंग के लिए देख रहे हैं तो पैसे सेविंग पैसे आएंगे 100%। करियर वाइज में भी यस के लिए अगर कुछ देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज के देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज में भी आपको बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी चीज़ें जो नहीं निपटी थी निपटारा होगा। 100% यस का कार्ड है करियर वाइज भी। और मैं आपको बता दूं कि हेल्थ के लिए भी 100% ये कार्ड्स बता रहे हैं कि सभी चीज़ों के लिए यस है। आने वाले 10 दिन में जो भी आपने अभी क्वेश्चन अपने मन में सोच रहे होंगे तो यहाँ पे आपको यस आ रहा है, हेल्थ वाइज भी। या कुछ और भी अगर सोच रहे होंगे, अगर करियर और प्यार के अलावा कुछ और चीज़ें सोच रहे होंगे तो वहाँ भी 100% यस है आपके लिए। अगले 10 दिनों में ये सारी चीज़ें यस में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि आपके कार्ड वन जो इन्होंने चूज किए थे एंजल कार्ड, तो यहाँ पे आपका यस का जवाब आया है। तो यहाँ पे लेकिन न्यूमरोलॉजी से मैं देखता हूँ कि आपके लिए क्या सजेशंस है, लेट्स सी क्या सजेशंस है आपके लिए। आपकी कोई भी कंडीशन हो, करियर वाइज हो या आपके प्यार में कोई सिचुएशन हो, तो यहाँ एक साफ कार्ड आ गया न्यूमरोलॉजी का, ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन। यानी कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मन में आपके सवाल हो, जो आप चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता हो, आपको वहाँ प्यार से काम लेना होगा, काम हो पेशेंस से काम लेना होगा और काफ़ी ज़्यादा ही आपको कॉपरेट करना होगा चीज़ों को, तो ये डिवाइन का एक सपोर्ट मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे जिन्होंने भी कार्ड वन चूज किया है एंजल कार्ड, उनके लिए करियर वाइज, हेल्थ वाइज और बाकी सारी चीज़ों के लिए 100% यस है। आप मेरी रीडिंग ये जो है कार्ड वन के लिए यहाँ पे खत्म होती है, एंड अब देखते हैं कार्ड टू के लिए क्या है, क्या कुछ है, लेट्स सी। तो जिन्होंने भी कार्ड टू चूज किया है मोनोलॉजी से, जहाँ पे मून के सारे फेजेस हैं, न्यू मून एंड जो भी है हाफ मून, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारे मून्स के फेज यहाँ पे बने हुए हैं। तो जिन्होंने भी कार्ड टू चूज किया हुआ है, आपने जो भी क्वेश्चन अपने मन में रखा है वहाँ देखते हैं कि क्या है। तो मैसेज पहले देख लेते हैं। मैसेज है साउथ नोड का, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यहाँ पे एक मैसेज दिया जा रहा है कि अपने पास्ट को, जो भी चीज़ें खराब हुई आपके पास्ट में, जो भी चीज़ें नहीं चली, जो निगेटिव चीज़ें थी, उनको आप याद ना करें, उनको आप छोड़ दें, जाने दें, क्योंकि नया लाइफ जो आपके है वो आपका इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कार्ड नो में आए या यस में आए या मे बी में आए, जो में आए वो 10 दिनों तक ही आपको रिजोनेट करेगी, उसके बाद आप अपने और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर ये रीडिंग आती है तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं कि कार्ड टू जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए निकालते हैं कि जो भी मन में आपके क्वेश्चन है, प्यार में हो, चाहे करियर में हो, हेल्थ में हो या कुछ में भी हो, उसमें यस नो में क्या आता है आपके लिए, लेट्स सी देखते हैं। तो जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं कार्ड टू जिन्होंने चूज किया है मोनोलॉजी का, वहाँ पे क्या है, यस नो में मुझे जवाब चाहिए या मे बी में जवाब चाहिए, जो भी निकल के आता है मैं अपने इंट्यूशन से अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। लेट्स सी जिन्होंने भी कार्ड टू चूज किया है। सेवन ऑफ कप्स आया है कार्ड, क्योंकि कार्ड टू के लिए भी मैंने दो कार्ड लिए थे, तो मैं थ्री ऑफ वैंड। सो यहाँ पे जिन्होंने भी कार्ड टू चूज किया है, जिनके मन में जो क्वेश्चंस हैं लव के लिए या करियर के लिए या कुछ भी के लिए, तो वहां पे कार्ड टू जिन्होंने चूज किया है उनके लिए पहला कार्ड है
सेवन ऑफ कप्स, काफी सारी चॉइसेस होंगी आपके पास। इस समय आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और आप चाह रहे हैं कि क्या ये काम होगा नहीं होगा, क्या ये वो काम होगा क्या ये काम होगा, क्या मुझे वो मिलेगा या मुझे वो करियर वाइज में वो चेंज होगा। तो अभी खुद भी आप कंफ्यूज हैं, पहला कार्ड ही बता रहा है। तो अपने इंट्यूशन से आपको चुनना पड़ेगा, अपने इंट्यूशन से चुनना पड़ेगा आपको। अगर प्यार में आपके पास कई सारे चॉइसेस हैं तो वहां भी आपको ही अपने इंट्यूशन से चुनना होगा आपके, क्योंकि वहां अच्छी बुरी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके मन में क्वेश्चन प्यार के लिए है, या तो रीयूनियन के लिए किसी के साथ, या कोई नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, सिंगल है तो वहाँ चॉइसेस ज्यादा है, रीयूनियन चाहते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन थोड़ा सा है, वो आपको ही देखना होगा। सामने वाले नहीं देखेंगे, वो आपको ही देखना होगा कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो पहला कार्ड मुझे प्यार के लिए मे भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हमारे पास दूसरा कार्ड भी है तो उससे देखते हैं। करियर वाइज भी सेम यही ऑप्शन है कि आपके पास चॉइसेस ज्यादा है करियर के लिए, जॉब चेंज, न्यू जॉब, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, काफी सारी चीजें हैं। जो भी करियर में आप प्रमोशन चाहते हैं तो वहां पे, या कहीं से आपने वैकेंसी के लिए अप्लाई किया, वहां से आपको कई जगह से भी आ सकते हैं, ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं। तो आपके पास काफी कुछ है चूज करने के लिए, आप पे कि आप चूज करते हैं कि नहीं। दूसरे कार्ड से हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे कि आपका यस नो या मे बी में क्वेश्चन का जवाब क्या आता है। तो थ्री ऑफ वैंड्स बहुत ही एक अचीवमेंट का कार्ड है, अचीवमेंट होगा करियर वाइज भी, फ्रेश स्टार्ट होगा आपके बिजनेस का। अगर करियर वाइज देख रहे हैं तो आपके जॉब का, अगर जॉब चेंज किया है तो फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है आपको। अगर आपने जॉब चेंज किया है इस मोटिव से कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। काम का बिजनेस एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगी, काम में ग्रोथ होगी। अगर बिजनेस है तो वहां पे मनी ग्रोथ होगी आपकी, आप लाइफ को आगे देखेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, आपकी तेज गति रहेगी, मूवमेंट रहेगा। तो थोड़ा सा आप दूरदर्शी भी हैं, थोड़ी सी चीज़ों को स्टॉक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, थोड़े से कंफ्यूज तो है ही, लेकिन चीज़ें बहुत स्टैब्लिश्ड मुझे नज़र होती हुई दिख रही हैं। स्ट्रेंथ भी आपके पास, एफर्ट लगा रहे हैं आप, बिजनेस में काफ़ी अच्छा जाने वाला है। अगर बिजनेस के बारे सोच रहे हैं तो यस है, 100% यस है। थोड़ा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर डिस्टेंस भी है आपके बिजनेस में, NRI है या आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो वहाँ भी मुझे लगता है वो फ़ायदा होगा, यस होने यस ही है। ट्रैवल प्लान्स बन सकते हैं आपके, अगर ट्रैवल क्वेश्चन अगर ट्रैवल के लिए है कि आप जा पाएंगे नहीं, तो आप 100% जाने वाले हैं। थोड़ी सी वेटिंग है यहाँ पे, मैं ये बताऊँ, अगर प्यार के लिए देख रहे हैं तो थोड़ी सी वेटिंग है। अगर आप रीयूनियन चाह रहे हैं तो वहाँ से कम 10 दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा न्यूज़ आ सकता है आपके लिए, कोई रीयूनियन के चांसेस थोड़े कम हैं तो, और वेटिंग है थोड़ी सी। अगर सिंगल है, अगर चाह रहे हैं कि कोई नया रिलेशनशिप बने, कुछ नया कुछ हो लाइफ में, एक नया रिलेशनशिप शुरू हो, कुछ अफेयर्स शुरू हो आपके, एक नई लाइफ मिले आपको, अगर ब्रेकअप हुआ है तो सोच रहे हैं कि हाँ अब आगे लाइफ बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे चॉइसेस लव में आपके पास तो है, रास्ते हैं, या आपको चुनना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन करियर वाइज 100% है। तो यहाँ पे मुझे जो भी निकल के आ रहा है, सेवन ऑफ कप एंड थ्री ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ ये बता रहा है कि करियर वाइज आपके पास चॉइसेस हैं, और करियर वाइज जिस चीज के लिए भी आपका क्वेश्चन है वो 100% यस है। लव में थोड़ी सी वेटिंग है क्योंकि आप चॉइसेस हैं आपके पास, कन्फ्यूजन्स हैं, वेटिंग है, तो यहाँ पे मुझे मे बी के चांस लग रहे हैं। नो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वेटिंग के चांसेस से आप एफर्ट लगा रहे हैं, चॉइसेस भी हैं आपके पास, तो यस होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे 100% यस तो नहीं, लेकिन मे बी है, नो नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन प्यार के लिए उसमें नो नहीं है, मे बी है, शायद ये 10 दिन के अंदर में आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है, काम बन सकता है। सो कार्ड वन और कार्ड टू के लिए जो मैंने निकाले थे उसमें कार्ड टू का मुझे करियर वाइज 100% यस है, एंड यहाँ पे जो कार्ड आए हैं, जो लोग लव के बारे में क्वेश्चन सोच रहे हैं अपने मन में, वहाँ मे भी है, यानी कि काम 50-50 हो सकता है अगले 10 दिनों के अंदर। उसके बाद जो भी रीडिंग आएगी 10 दिनों बाद, वो मैं आपको जब बताऊंगा उसमें एक अलग रीडिंग होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक एंजल के मैसेज लेते हैं कि क्या है
एडवाइस एंजल्स का, लेट्स सी, देखते हैं। टेक एक्शन कार्ड है, सो यहाँ पे अगर मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, करियर वाइज नहीं बोल रहा हूँ, करियर वाइज तो क्लियर हो चुकी कि यस है, तो यहाँ पे जो लव वाली वेटिंग मुझे लग रही है या लव के जो क्वेश्चन की उसमें मे बी है, तो यहाँ पे एक एंजल का सजेशन है कि अगर कहीं से कोई वाइब आता है तो आप टेक एक्शन, जल्दी से एक्शन लीजिए, जल्दी सा उस चीज को ग्रैब कीजिए, अगर कोई नया प्यार है तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कीजिए, टेक एक्शन का कार्ड है। अगर आप चाहते हैं कि यस हो, आपके प्यार का जवाब यस हो, क्वेश्चन का जवाब यस हो, तो आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे। आपके पास कंफ्यूजन है, चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जल्द से जल्द चूज करना पड़ेगा। आप अपने इंट्यूशन से या दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, जो आपके गुड फेथ में व्यक्ति हों उनके आप एडवाइस ले सकते हैं, तो आपको प्यार में एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो वेटिंग की एनर्जी लगातार बनी रहेगी। क्योंकि अगर आपके पास जिसके लिए आप देख रहे हैं कि हाँ वो पर्सन आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइफ में एक ही पर्सन है, और भी पर्सन जो आपको चाहते होंगे, तो वहाँ आप देख सकते हैं एक्शन लेने का समय है अभी। तो आज की रीडिंग मेरे यही खत्म हुई, पिक अ कार्ड सेशन, और ये अगले 10 दिनों तक रेजोनेट करेगी आपको, एंड उसके बाद टाइमलेस है अगर पहली बार देख रहे हैं तो। नया चैनल्स के मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए टॉपिक आपको मिलते रहें। तो यस नो की रीडिंग मेरी आज यही खत्म होती है, फिर मिलते हैं, ओम नमः शिवाय।